हरियाणा की है। दिल्ली। ओके भाई बाय। दिल्ली से वेंचर। बाइक रेडी हो चुकी है, सारा सामान बाइक पे लोड हो चुका है और जो मेन मेरी राइड थी, जिस राइड के लिए मैं ये पूरा सर्किट कर रहा हूँ, वो आज एक्चुअली स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है ना कोयल की, कुकू कुकू या चिड़िया की आवाज़ आ रही है ना। एनीवेज अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरी राइड ही चल रही है जिसमें मैं इनक्रेडिबल इंडिया को एक्सप्लोर कर रहा हूं, तो उसके अंदर आज जो मेरा मेन पार्ट है वो है कोंकण की राइड जो मेरी स्टार्ट होने वाली है। तो कोंकण मुझे कितने दिन लगेंगे, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और हमारे साथ एक छोटा सा ट्रेजेडी भी हो गई है, देखो बोला भी नहीं जा रहा, ट्रेजेडी भी मेरे से नहीं बोला जा रहा कि अपने जो आशीष भाई थे, एक्चुअली थे नहीं हैं, एक्चुअली अपने आशीष भाई हैं, वो अभी मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली ये राइड कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्हें किसी रीज़न से घर जाना है। और इन भाई साहब का भी एक छोटा सा चैनल है जिन्होंने स्टार्ट किया, क्या नाम है, ओवरलैंड विद आशीष, तो ये लिखा रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो वेरी मच, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर, है ना। हाँ जी बिल्कुल। अनिल भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छी फैमिली थी, इन्हीं के साथ मैं 2 दिन स्टे कर रहा था, इनको मैं पहले कभी भी नहीं जानता था, तो आशीष भाई के थ्रू मैं इनको मिला और इनके साथ यार 2 दिन यहाँ पर रहने का मौका मिला। बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी, मतलब घर जैसा फील, घर से भी बेटर फील, मतलब घर से बेटर क्या, घर वाला ही फील समझो। मैं आप लगा देता हूँ पहले, वेलकम वेलकम। पिछले व्लॉग में थैंक यू बोलना भूल गया आपको, पर थैंक यू सो मच, आपने जो मुझे पूरा घुमाया मुंबई, मज़ा आ गया। एनीवेज अब सागर आ चुका है और एक और चीज़ देखूँ मैं देता हूँ, ये देखो ये क्या है, LS2 मेरा सेम है, आपको पता ही है। टॉप बॉक्स और एडवेंचर, और ये एडवेंचर जैकेट भी रहना, इधर भी रहना, तो मतलब टोटली सेम कर दिया भाई साहब ने। ये शुक्र है कि मेरी बाइक का कलर थोड़ा डिफरेंट है, इससे एटलीस्ट मेरी बाइक थोड़ी डिफरेंट लगेगी, है ना। एक्चुअली जो हमारी रोरो फेरी का टाइम है ना वो है 10 बजे का, एक सुबह 8 बजे भी जाती है लेकिन 8 बजे वाली पूरी फुल हो चुकी थी, इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। हमारा प्लान सुबह सुबह का ही था, निकल जाएंगे, लेकिन 10 बजे की रोरो खाली थी तो हमने उसी पे बुकिंग कर ली थी। मुझे लगा था 5-10-15 मिनट का रास्ता होगा, लेकिन अभी सागर ने जैसा बताया 35 मिनट्स लग जाएंगे, मतलब टाइम लग जाएगा हमें पहुंचने में। इस समय टाइम 9:15 के आसपास हो चुका है। रोरो सर्विस, ओके सो वेलकम टू ईस्टर्न वाटर फ्रंट। टिकट इनके पास, इनके पास भाई साहब बहुत बड़ा है, फोटोज में वीडियोस में नहीं लगता लेकिन बहुत बड़ा है यार, क्रूज शिप ये वाला। जाए एक फोटो ले लेता हूँ फटाफट से यहाँ पर, सर एक सभी मैंने उनसे ऐसी परमिशन लिया, सर मेरे को एक फोटो क्लिक कर रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है कर लो लेकिन फटाफट कर लेना, लेकिन देखना बाइक और वो पूरा क्रूज कैसा लग रहा है। अब इसके अंदर पता नहीं कितनी सारी गाड़ियाँ, कितने नंबर मुझे पता नहीं है, एक बार देखूंगा पता करूंगा कितनी गाड़ियाँ आ सकती हैं। ओहो, तो उन्होंने बोला कि अंदर ले लो बाइक, और अभी मुझे पता लगा KTM की टीम आई हुई है यहाँ पर पूरी, जो उनकी प्रो एक्सपी राइड चलती है, तो वो भी यहीं पर ही आए हुए हैं सारे लम्बे में, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी बाइक अब यहाँ पार्क हो जाएगी। सो ये जो एरिया ना ये है एक्चुअली डेक एरिया, और यहाँ पर सारी गाड़ियाँ और सारी बाइक्स पार्क हो जाती हैं, और मुझे बता रहे हैं कि इसके नीचे एक्चुअली बेसमेंट में भी पूरा पार्किंग फैसिलिटी है, जब ये पूरा भर जाता है तो वहाँ पर और बाइक्स और कार चली जाती हैं। साथ में अपनी बाइक जो है वो यहीं पर ही पार्क कर दी है, हेलमेट्स दोनों यहीं पर ही छोड़ दिए, और 45 मिनट्स की जर्नी है, देखते हैं कितना मज़ा आता है। ओके तो ये पूरा लाउंज एरिया है, अच्छा खासा क्राउड है और ऑब्वियसली पूरा फुल हो चुका है, यहाँ पर KTM की टीम आई हुई है, टीम क्या सारे जो बाइकर्स हैं ये हैं यहाँ पर, और खाने पीने की सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। AC वैसी फुल चला रखे हैं, जितना भी पसीना है सब 2 मिनट के अंदर सूख जाएगा यहाँ पर।
तो यहाँ पर एक्चुअली मैं आया, मेरे को पता नहीं था KTM की पूरी मतलब प्रो XP की राइड चल रही है, यहाँ से कोंकण जा रहे हैं, तो ये सारे भाई लोग मिले और सबसे मिलके यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है। कितने लोग आप लोग? 13 लोग हैं। तो इनको ये नहीं पता था कि मैं मतलब उसके साथ में जा रहा हूँ और मुझे इनका नहीं पता था, और बहुत अच्छा लग रहा है इनसे। अभी ऑफ कैमरा थोड़ी देर बातें करूंगा इनसे भी, क्या राइड का प्लान है। अभी हमारा जो ये क्रूज है ये स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, और ये जो है ये कह सकते हैं कि आप अपर डेक है, इसके ऊपर एक और डेक है और मेरे ख्याल से उसके ऊपर एक और डेक है। अलग अलग चार्जेस हैं, जो मेरे वाली के चार्जेस हैं ये चार्जेस हैं लगभग 380 रुपये हमने पे किए हैं, पर प्लस बाइक के 210 रुपये अलग हैं, ऊपर वाले के 450 रुपये थे प्लस बाइक के अलग होंगे, और ऊपर सबसे ऊपर वाली के या जो भी सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव है उसके चार्जेस हैं 1500 रुपये, और बाइक के ऑब्वियसली फिर चार्जेस अलग होंगे। तो अब आने वाला है मजा, बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ। तो अभी हम पता है क्या है, नीचे से ऊपर आ चुके हैं, और ये है एक्चुअली ऑक्टेविया डेक, और इसके यहाँ पर चार्जेस मेरे ख्याल से 450 रुपये लगते हैं, नीचे वाले के 380 रुपये के आसपास से, ज़्यादा फर्क नहीं है। पर ये है कि यहाँ से जो व्यू है ना बहुत शानदार और बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है। हमारा बेसिकली डेक ये वाला है, और वो सारी छोटी छोटी चेयर्स लगी हुई हैं, सारे बस वहाँ पर बैठे हुए हैं। बट टू बी वेरी फ्रैंक, इस जगह का जो व्यू है ना वो ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिव टू नीचे वाले का। और इसके ऊपर वाला भी एक कोई डेक है जिसके 1500 रुपये चार्ज है, मुझे पता नहीं वो कौन सा डेक है, वहाँ हमें जाने की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन इधर भी दिखाऊँ आपको, ये देखो कितने अमेजिंग, कितना अभी लग रहा, अभी तो स्टार्ट ही हुई है और अभी से इतना खूबसूरत लग रहा है। तो डेफिनेटली जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो और वैसे वैसे खूबसूरत लगेगा। तो मैं आपको एक और भी नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर खाली मुझे लगा था कार्स वार्स आती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी बाइक्स वहाँ पर नीचे बिल्कुल पार्क है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बड़ी बड़ी 1, 2, 3, 4 मुझे 4 बसेस तो यहीं पर दिख रही है, डेफिनेटली और भी ज़्यादा यहाँ पर बसेस होंगी। तो अभी थोड़ी देर इस व्यू का मज़ा लूँगा, बैठूँगा चारों तरफ के व्यू के नज़ारे लूँगा। तो अगर हम लोगों को कुछ खाना पीना है ना तो वो यहाँ पर ही सारी चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए। एक्चुअली मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी ज़्यादा नहीं किया, बहुत लाइट वेट कुछ खाया था और भूख बहुत लगी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चार्जेस में मिलता है और क्या क्या मिलता है, पहले तो वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ओके तो ये मेन्यू है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है खाने के लिए। पंजाबी समोसा 100 रुपीस, पाव भाजी, वड़ा पाव खाएंगे भाई, वड़ा पाव बहुत टेस्टी था कल। यहाँ का वड़ा पाव का टेस्ट थोड़ा अलग होगा, कोई बात नहीं। वो पर पता है कल कितने का था वड़ा पाव? 15 रुपये का, और यहाँ 80। चलो ठीक है, फिर भी है एनवायरमेंट का है, वड़ा पाव लेते हैं ठीक है। कल वाला ज़्यादा टेस्टी था। तो चलो अब यहाँ से निकलने का टाइम है, काफ़ी मज़ा आया इन लोगों से बहुत बातें करी, बहुत मज़ा आया इन सबसे मिलके। अब ये देखो जो मैंने बताया था ना नीचे भी पार्क होती हैं, तो ये देखो नीचे भी ये पार्किंग का एरिया पूरा, और यहाँ से ये नीचे सारी मेरे ख्याल से नहीं बाइक कार दोनों है। जब अपर डेक भर जाता है ये वाला तो ये नीचे, इसके नीचे बेसमेंट है, वहाँ से पूरा पार्किंग कर देते हैं। तो एग्जिट करने के बाद ना ऐसे चेकिंग हो रही है, मतलब सारी गाड़ियों की तो नहीं पर 90% गाड़ियों की चेकिंग हो रही है ऐसे, ये सीन है यहाँ पर। एग्जिट किया जाए, हाँ गर्मी है भाई साहब, बहुत गर्मी है, मेरे तोते उड़ गए गर्मी से, मेरी आँखों के ऊपर पलकों के ऊपर पसीना आ गया, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया। तो ये आज की जर्नी ना व्लॉग वाइज थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि बस एक ये फेरी पकड़ी तो ख़त्म हो गया, आज के ही दिन में हमें दूसरी फेरी भी पकड़नी है। तो ये तो भाई साहब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा व्लॉग, तो मैनेज करना क्योंकि चीज़ें भी सारी दिखानी है, क्योंकि मैंने भी पहली बार देख रहा हूँ तो अच्छी तरह से देखूँगा और आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करूँगा।
तो सागर कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बीच है तो थोड़ी देर वहाँ पर रुकते हैं, और वैसे भी काफ़ी देर हो गई, थोड़ी ह्यूमिडिटी भी लग रही है, पानी भी पीना है, अच्छा है, कहीं पर स्टॉप लेते हैं। और सही है यार, काशिद बीच है नाम बीच का। क्या नाम है? काशिद। काशिद बीच, यहाँ इसको मिनी गोवा भी बोलते हैं। क्यों? पूरे अलीबाग में क्लियर सैंड वाला और क्लियर पानी वाला यही बीच है, तो यहाँ पे ज्यादा क्राउड आता है वीकेंड में। अच्छा, अभी काफी लोग नहा भी रहे दिख रहा है, है ना? वीकेंड में बहुत पब्लिक रहते हैं यहाँ पे। थोड़ी देर बैठे छाव में, वही बोला आपके ऊपर है, है ना? थो मिनट बैठते हैं, पानी वानी पीते हैं। कहाँ? यहाँ बैठना है? चलो फिर घुमा लाऊं तुमको पूरा इंडिया। तुम हल्के भी हो, तुम कोई बात नहीं ना, इसको पकड़ के कोने में छोड़ के आ जाओ। हरियाणा की है? दिल्ली। ओके भाई बाय। दिल्ली से वेंचर। ये वाला पार्ट में डालूंगा यार, ये वाला पार्ट में डालूंगा। ये वाला पार्ट में डालूंगा भाई, मैं ऐसे डालता नहीं हूँ, पर ये वाला पार्ट डालूंगा। जैक दिल्ली का। मुरुड़। तो ये घर ऐसे बने हुए हैं ना, जैसे पहले के ज़माने में ना पिक्चर में दिखाते थे, वो शोले पिक्चर में, है ना? वैसे ही घर बना हुआ है। जंजीरा फोर्ट। हाँ, ये पूरे गांव वैसे ही बसा हुआ है, ऐसे ही लग रहा है जैसे पुरानी पिक्चरों में होता था ना, पुरानी पिक्चरों में जो घर हुआ करते थे एक्चुअली, तो ये बिल्कुल मुझे वैसा ही फील दे रहा है। अभी हम जा रहे हैं अग्रदंडा। अग्रदंडा से हमें मिलेगी दिघी तक के लिए फेरी, एक छोटी सी फेरी मिलेगी जिसमें हम अपनी बाइक लोड करेंगे और हम चले जाएंगे दिघी। उसके बाद हमें आज जाना है हरिहरेश्वर, और आज का स्टॉप हमारा हरिहरेश्वर ही होने वाला है। तो आज के दिन में मैंने यही सोचा कि ये बीचेस दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे जैसे जैसे मेरी राइड बढ़ेगी मैं बीचेस पे ही जाने वाला हूँ। तो अभी जो फेरी वाला पार्ट है ना, जो आगे फेरी नहीं मिलेगी तो फेरी वाले पार्ट को ज़्यादा दिखाता हूँ, रादर मैं आपको बीचेस दिखाने पे रुक जाऊँ या वो दिखाऊँ या ड्रोन शॉट दिखाऊँ, डजंट मेक एनी सेंस। सो अभी हम आ चुके हैं अग्रदंडा, तो यहाँ से हमें मिलेगी एक छोटी सी एक और फेरी। फिर मिल लिए। साथ ही चल रहे हैं हम सब। सो अभी हम लोगों ने ना अपनी बाइक यहीं पर ही पार्क कर दिया है, और ये एक्चुअली जगह है अग्रदंडा, और यहाँ से अब हमें जाना है दिघी, जो ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 10-15 मिनट या 20 मिनट मैक्सिमम लगेंगे और हम लोग पहुँच जाएंगे। और यहाँ से मैं एक बार ना आपको ऊपर का भी व्यू दिखाता हूँ। वापिस आ गया मैं। तो यही KTM वाले अपने सारे यहीं पर ही हैं, तो ऐसा कुछ सीन्स है यहाँ पर। तो अभी हमारी ये दूसरी फेरी है अग्रदंडा से लेकर दिघी तक जाने वाले हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, 10 मिनट हो चुके हैं हार्डली, और 5 मिनट लगेंगे यहाँ से। और इतनी सारी गाड़ियाँ इसके अंदर खड़ी है ना, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, लेकिन पहली और दूसरी में ये भी फ़र्क है कि पहली वाली जो हमारी थी फेरी, उसके अंदर हमारे बहुत पैसे लगे थे, लगभग 600 रुपये लग गए थे, इस वाली में खाली 55 रुपीज़ पर बाइक के लगे हैं, और पर पर्सन के मतलब 50 है ना, 110 रुपये लगे हैं हमारे, दो बाइक 2 पर्सन। और मोस्टली हम बस यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ, हम मोस्टली यहाँ पर डॉक करने वाले हैं, हमारा डिस्टेंस आ ही गया हार्डली एक आध मिनट में, है ना? यही है ना दिघी पोर्ट आ ही गया हमारा यहाँ से। और अमेजिंग एक्सपीरियंस, मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और अभी आज का भी डिस्टेंस हमारा कितना और रह गया होगा अभी? 45-30 किलोमीटर।
अभी अभी हमारा आज का भी डिस्टेंस 35 किलोमीटर और रहता है इसके अंदर, लगभग हमें 2 घंटे लगा लेंगे। अभी बजे 2:50, लगभग 4:50 पे मर के भी जाएंगे तो मुझे लगता है हम लोग पहुंच जाएंगे। पंद्रह बीस मिनट लगे लेकिन हम अब दिघी पहुंच चुके हैं। ये है दिघी, लेकिन अभी तक ये अच्छा है कि जितने लोगों से बात कर रहा हूँ उनको हिंदी आती है। आगे जैसे जैसे जाएंगे काफ़ी लोग होते जाएंगे, फिर अपनी जो राइड चलेगी हिंदी का यूज़ फिर कम होता जाएगा, फिर लोकल लैंग्वेज चलनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए तो इनक्रेडिबल इंडिया है, इंडिया को छोड़ के और कहीं ऐसा देखने को ही नहीं मिलेगा। 50 किलोमीटर आप आगे पीछे चले जाओ, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, खाना चेंज हो जाएगा, पहनावा चेंज हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी ऐसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसके 3 नाम होंगे, इंडिया, हिंदुस्तान और भारत। पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं होगा तभी इनक्रेडिबल इंडिया है। इतनी लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में कहीं पर नहीं होगी खाली जहाँ इंडिया में बोली जाती होगी, तभी इनक्रेडिबल इंडिया है। हर स्टेट में, हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में आपको कुछ ना कुछ हिस्ट्री मिल जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो मतलब दिमाग आपको घुमा सकती हैं। ये सिर्फ इंडिया में ही है, इनक्रेडिबल इंडिया। जितना ट्रैवल करोगे ना, सच बता रहा हूँ, जितना आप ट्रैवल करोगे ना अपनी कंट्री में, उतना आपको अपनी कंट्री से प्यार होता जाएगा, ये फैक्ट है। ये रूट है ना, ऐसा लगभग पिछले 3-4 किलोमीटर से रूट ऐसे ही है, बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया में से निकल रहा है ये। तो अब लेफ्ट में थोड़ी सी ओपन वैली दिख रही है, मतलब पहाड़ दिख रहे हैं, अभी तक तो वो कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी, बस दोनों तरफ से घने जंगल ही दिख रहे हैं। अब अच्छा लग रहा है, एक्चुअली में अब अच्छा लग रहा है, वेदर इतना प्यारा हो गया ना, धूप नहीं लग रही, ऑब्वियसली ये पेड़ों ने सारा कवर कर दिया, धूप को मेरे से दूर कर दिया। लेकिन ये शाम का हो ना, 6-6:30 के बीच में, तो और मज़ा आएगा जब धूप बिल्कुल ढल रही हो। अभी रहता होगा लगभग 25 किलोमीटर के आसपास तो रहता होगा आज का हमारा डेस्टिनेशन। मुझे लगा ताश खेल रहे हो, पत्ते। अच्छा यहाँ क्यों बैठे हो, वहाँ क्यों बैठे हो? मुझे लगा ठीक है ना सब कुछ। चलो बाय। दिल्ली से आए हैं, गोवा जा रहे हैं, गोवा अभी तो हरिहरेश्वर, हम भी वही चल रहे हैं। चलो वहाँ मिलेंगे फिर, ठीक है, ओके बाय। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, रोड में बैठे पत्ते खेल रहे हैं, क्योंकि हाथ में भी आता था फ़ोन, कौन लेके ऐसे बैठेगा। मतलब पत्ते भी नहीं कोई खेलेगा, लेकिन मुझे दूर से ऐसे ही लगा था कि शायद पता नहीं क्या हो गया इनको, पत्ते खेल रहे हैं, ऐसे गोल सर्कल में बैठे होते ना जैसे खेलते हैं। ऐसा कौन बैठता है भाई, 101%। ये टूट गया, टूटने के, ओ हाँ उसका वही खुल गया, ओहो पेच दोनों तरफ से हो गए, पता है ये गया, सिर्फ यही गया, अरे ये भी गया ना, नहीं ये इस वजह से ही ऐसे हो गया, ये लूज हुआ ना ऊपर आया इसलिए ऐसे हो गया, ऐसे होना चाहिए। हाँ तो ये बिकॉज ऑफ ये लूज हो गया, अपने को लेट हो रहा है, उधर होटल में जाके एक बार रूम देख लेते। नहीं नहीं गिर जाएगा तो फायदा क्या, होटल कौन देखेगा फिर, यही गिर जाएगा तो। टॉप बॉक्स और रखने की जगह नहीं है, एक्चुअली इन्होंने गलती थोड़ी कर रखी है, इन्होंने नीचे बेस पे ना मजबूती नहीं दे रखी, यहाँ मेरा थोड़ा मजबूती है तो वो वेट नहीं ले पा रहा और वो थंब इधर हो गया, और अभी वो जो स्क्रू है वो टूट गया और वो अंदर रह गया, अब वो निकलेगा अंदर वेल्ड हो के, और वेल्डिंग के यहाँ कोई हो तभी हो पाएगा, नहीं तो हम तो नहीं कर सकते उसको। हमारे पास पूरा टूल किट हमने करके देख लिया, लेकिन एंड में रियलाइज हुआ वो पेच ही अंदर टूटा हुआ है, तब पेच टूटा हुआ नहीं निकल सकता।
और उनके तेज चलाने भी थोड़ी मजबूरी है, क्योंकि अगर सारी शॉप बंद हो गई होगी ना वेल्डिंग की, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। गाड़ी बंद पड़ गए, गाड़ी बंद पड़ गए, थक गया, अब नींद आई, ऐसे सोना है। चले ठीक है, दोस्त को लाता हूँ, आधा घंटा लग सकता है, ठीक है, हाफ एन आवर, ठीक है ना। भाई 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 क्यों? हाँ गाड़ी बंद पड़ गई, हाँ आगे भाई हाँ चालू गाड़ी, वो टूट गया, टूट गया आगे भाई हाँ ना ना दिल्ली मुंबई दिल्ली 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 आता दिल्ली नाथ नाथ क्या होता है? अच्छा बेटी अमेरिका, बेटी की बेटी दिल्ली। मैं लाता दोस्त को, दोस्त को। तो ये है होटल जहाँ KTM स्टे कर रहे हैं KTM वाले, लेकिन मेरे को मेरे जितने भी दोस्त हैं सबने बोला कि होम स्टे में स्टे करियो, ऐसी लोकेशन पे जाकर लोगों से बात करना वो बड़ा सही रहेगा। तो मैं इनसे बात कर रहा हूँ कि अगर ये हमारा सामान, अगर हमारा मतलब टॉप बॉक्स अपनी गाड़ी में रख सके, तो बात करके देख लेते हैं, अगर रखेंगे तो वेल एंड गुड हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये वो रूम है जो हमने लिया है, बहुत डिसेंट सा, बहुत नीट एंड क्लीन रूम है ये वाला, ज्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ी, एक आधी देखा तो उसी में हमें ये रूम पसंद आ गया और हमने यहाँ पर ले लिया। हरिहरेश्वर, हरिहरेश्वर में जब आप आते हो तो आपको बहुत सारे यहाँ पर होम स्टेज मिल जाते हैं और अच्छे अच्छे रूम मिल जाते हैं, 1000-1200-1500 रुपए मैक्सिमम अच्छे रूम आपको मिल जाएंगे। तो अगर आज के ब्लॉग की बात करूं तो बहुत ज्यादा मेरे लिए एडवेंचरस था, क्योंकि बहुत डिफरेंट चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी, मैंने कभी फेरी में अपनी बाइक्स लोड नहीं करी थी, ये भी मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस हो चुका है। हाँ एक बार मैं पहले भी कर चुका हूँ, जब मैं अरुणाचल गया था मजुली आइलैंड के लिए, तो वो बहुत छोटी सी थी, ये उनके कंपैरेटिव बहुत बड़ी थी। बाकी आज के व्लॉग में बातें नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता व्लॉग बहुत बड़ा हो गया है। और इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करता हूँ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।